यहाँ पर अपने सवाल में मुझे एसेट्स दे रखी है 9,27,342 रुपये की, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 52,492 रुपये की, और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख रुपये की दे रखी है, और रेमुनरेशन से कोई 18,000 रुपये का, और प्रेजेंट में ये कंपनी या ये बंदा कह रहा है कि 15% का इसको NNR मिलता है या 15% का प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड पे, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 9 लाख रुपये। तो यहाँ पर अपने को ये प्रूफ करना है कि इसकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है और जो NNR है ये वास्तव में दोनों मैच खाती है या नहीं खाती है, या ये जो बात कर रहा है वो अलग अलग है। जैसे इसने कहा है मैंने 9 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में और मेरे को 15% इसमें रिटर्न मिल रहा है, तो अब इस चीज़ को अपने को प्रूफ करना है कि इसको वास्तव में 15% रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वही अपना एवरेज प्रॉफिट देखूँगा। तो सबसे पहले यहाँ इस सवाल में मुझे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,20,500। फिर FMP निकालेंगे, तो FMP के लिए यहाँ पर रेमुनरेशंस दे रखा है पार्टनर्स रेमुनरेशंस, तो रेमुनरेशंस 18,000 का है, तो यहाँ पर 1,02,500 ये कहलाएगा अपना FMP 1,02,500 है। और अब अपने को यहाँ पर निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NNR अपॉन 100, लेकिन इसने अपने को गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है कि इसकी गुडविल जो निकाली है इसने सुपर प्रॉफिट इंटू 4 किया है, तो इसके 50,000 रुपये गुडविल आई है। तो मैं यहाँ पर इस बेस पर सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो यह आया 12,500 रुपये। तो मेरे इस सवाल में FMP है 1,02,500, सुपर प्रॉफिट है 12,500, तो मैं सीधे ही इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 1,02,500 माइनस 12,500, तो ये हुआ 90,000 रुपये। तो इट मीन्स सुनील जो अपना प्रॉफिट कमा रहा है वो 90,000 रुपये कमा रहा है साल का, जबकि सुनील बोल रहा था 15% कमा रहा हूँ। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं कि वास्तव में सुनील